चुनाव है, तीन वो सीट है, उपचुनाव हो रहा है, इसके लिए बैठक है। कांग्रेस के लोगों से भी बातचीत होगी, क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि महागठबंधन में है तो हमारी भी बात होनी चाहिए, हमारी भी राय सुनवाई होनी चाहिए और तभी कैंडिडेट के नाम की घोषणा की जाए। देखिए कांग्रेस के लोग कोई चर्चा नहीं किया है, अब मीडिया में बोलने से नहीं होता है, आके बोलना चाहिए, फोन से भी बात करना चाहिए, तो कोई तो फोन चाहे कोई चर्चा लोग नहीं किया है। बेहतर उम्मीदवार उतारे जाएंगे, जीत आरजेडी के कैंडिडेट जो है उन्हीं की होगी, ये सुनिश्चित आप मान के चल रही हैं? आप देखिए राष्ट्रीय जनता दल का जीत नहीं है, बिहार के जनता की जीत है और बिहार के जनता सक्षम है जिताने के लिए। तेजस्वी जी की न्याय यात्रा को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये न्याय यात्रा नहीं, ये पश्चाताप यात्रा है, तरह तरह की बातें कही जा रही है, ये रुख है क्या? न्याय यात्रा हो चाहे कोई यात्रा हो, बिहार की जनता के सेवा करने के लिए कोई कर रहा है, समझाने के लिए कर रहा है, बात अपना रखने के लिए कर रहा है, तो ये रोक है क्या? रोक है तो रुकवा दे, सरकार का शक्ति है तो रुकवा दे, हम लोग नहीं खिलेंगे, आरजेडी नहीं खिलेगा, हिम्मत है तो रुकवा दे। क्यों ऐसा बयानबाजी क्यों किया जा रहा है, क्या लगता है घबराहट में तो घबराहट में बिहार की जनता का मूड लोग समझ लिया है भीतरे भीतरे, और लोग समझ रहा है उनका भी, बिहार में पूरा बिहार में बीजेपी है, जदयू है, सब जगह का हवा मिला है कि नीतीश जी हाथ खड़ा कर दिए, बीजेपी से लड़के सीट लेना चाहिए। आरएसएस प्रमुख भी बिहार में है, वो भी रणनीति बना रहे, क्या उनकी रणनीति काम करेगी चुनाव में, आने वाले चुनाव में? कौन? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। मोहन हो तो हमेशा आते हैं, हमेशा बोल के चल जाते हैं, कुछ न कुछ आग लगा के चल जाते हैं, आग लगा दिए, चल दिए अपना। सेना को लेकर भी बोला है, सेना तीन दिन में खड़ा कर देंगे, और नहीं के सरकार भारत सरकार में है कि सात महीना छह महीना में तैयार नहीं होता है सेना, बाकी तीन दिन में तैयार कर देंगे आरएसएस के लोग, तो ये अपमान है, सेना का अपमान हो रहा है, देश का अपमान हो। तो चलिए ये बड़ा सवाल है और अब देखना होगा कि इन सवालों का जवाब एनडीए के लोग कैसे देते हैं, जो कार्यकारिणी में नीति बनाई जाएगी आरजेडी की तरफ से उसका क्या जवाब जो है आरजेडी देगी, कैसे इनके कार्यकारिणी की नीतियों को काट निकालेगी, ये देखना काफी अहम होगा। कैमरा पर्सन विजय के साथ अमित कुमार, जी मीडिया पटना।